ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे। ये विश्व गुरु नहीं, दास गुलाम बनाने की शिक्षा नीति है। वर्तमान में एक नई किस्म का जातिवाद, जो कि आर्थिक भेदभाव, जातीय भेदभाव के साथ साथ एथनिक भेदभाव और तमाम दूसरे किस्म के भाषाई भेदभाव, धार्मिक भेदभाव को एक तरह से री स्टेबलिश करने वाला रिवाइवलिस्ट ट्रेंड जो यहाँ पे आया है, तो उसको हम एजुकेशन के फील्ड में बहुत बहुत स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। केवल सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है, एक नई किस्म की अर्थव्यवस्था, एक नई किस्म की शिक्षा व्यवस्था, एक नई किस्म के सामाजिक सौहार्द जिसको कि लगातार कुचला जा रहा है, उसको पुनर्स्थापित करने की लड़ाई है। आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके लोगों के साथ जमीन पे कैंपेन करेंगे, और अगर आप ये करने में सफल हुए तो निश्चित तौर पे आरएसएस, बीजेपी और उनके कॉर्पोरेट अलाइंस का सफाया इस चुनाव में हो जाएगा। वो जो जमीनी मुद्दे हैं दरअसल, उनमें से बहुत सारे इस चुनावी विमर्श इलेक्टोरल डिस्कोर्स से कहीं बाहर छूट गए हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि इस रात की सुबह भी होगी और ये रात ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, सवेरा बिल्कुल पास है। वो किस रंग का सुबह सवेरा होगा, वो कैसे आएगा, कौन से होराइजन से सन निकलेगा क्षितिज से, वो अभी कुछ महीनों में पता चलेगा, लेकिन सुबह तो ज़रूर आएगी। इस देश में आप, क्योंकि मैं ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के काम के सिलसिले में देश भर में घूमता रहा हूँ, और हर इलाके में बहुत कर्मठ जीवट एक्टिविस्ट, हजारों हजारों लोगों की भीड़ उनके समर्थन से आंदोलन चला रहे हैं इस कॉर्पोरेट कम्युनल फासिस्ट अलायंस के अगेंस्ट पूरे देश भर में। वो अलग बात है कि उन्हें ये मेन स्ट्रीम मीडिया जगह नहीं देता, और ये भी अलग बात है कि वो जो जमीनी मुद्दे हैं दरअसल, उनमें से बहुत सारे इस चुनावी विमर्श इलेक्टोरल डिस्कोर्स से कहीं बाहर छूट गए हैं, और इसी दिशा में उठाया गया ये एक कदम है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आया था रतनलाल जी के साथ, तो वहाँ भी एक जनता का मैनिफेस्टो रिलीज किया गया था। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयासों को लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। जो आज सुबह से चर्चा हुई है उसको, उसका दस्तावेजीकरण करके, उसको डॉक्यूमेंट करके हमें लोगों के पास ले जाना चाहिए, और केवल डॉक्यूमेंट को लेके नहीं जाना है, हमें खुद लोगों के पास जाना है। प्रोफेसर लक्ष्मी नारायणा जो जागो तेलंगाना आंदोलन के एक मुख्य लीडर हैं, उन्होंने और हमारे आंध्र प्रदेश के साथियों ने ये संदेशा इस सभा के लिए भेजा है कि आप आज ये प्रस्ताव लें अपने में कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके लोगों के साथ जमीन पे कैंपेन करेंगे, और अगर आप ये करने में सफल हुए तो निश्चित तौर पे आरएसएस, बीजेपी और उनके कॉर्पोरेट अलाइंस का सफाया इस चुनाव में हो जाएगा। इसी तरह से कॉमरेड हनुमला का भी फोन आया था, वो गिर गए इसलिए वो आ नहीं पाए, पर उन्होंने कहा कि उनके किसान, मजदूर, स्टूडेंट और सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा समर्थन है अगर हम आज कोई भी निर्णय लेते हैं। जैसे दिल्ली है, अभी दिल्ली में तो चुनाव में एक महीने से भी ज़्यादा, तकरीबन 40 दिन यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, या हम बस्तियों में जाके लोगों को ये बता सकें, ये नहीं कि एक तो परसेप्शन की बात है, पर परसेप्शन से भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जीत मुमकिन है, वो आपके दरवाजे पर खड़ी है, और आप लड़ने वाले अकेले नहीं हैं, पूरे मुल्क में लोग इस रिजीम के ख़िलाफ़
लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये बात लोगों तक पहुंचानी है। अगर हम ये करेंगे तो निश्चित तौर पे केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सरकार बदलना हमारा एक मकसद तो है पर साध्य यानी एंड नहीं। हम तो दरअसल जो खास तौर से संविधान के फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के चैप्टर में कहा गया, जिस रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कही गई है, संसाधनों के पुनर्वितरण की बात की गई है, गैर बराबरी को मिटाने की बात की गई है, समरसता को लाने की बात की गई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सुबह से जो वक्ताओं ने कहा वो दरअसल सब कुछ, वो सब कुछ संविधान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये इस देश को हासिल करना है। हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की भी है और संविधान में निहित उन सिद्धांतों को जमीन पे हासिल करने की भी है। हम जब तक लोगों के बीच जाके ये स्पष्ट नहीं करेंगे कि ये एक असली लड़ाई है, ये केवल सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है, एक नई किस्म की अर्थव्यवस्था, एक नई किस्म की शिक्षा व्यवस्था, एक नई किस्म के सामाजिक सौहार्द जिसको कि लगातार कुचला जा रहा है उसको पुनर्स्थापित करने की लड़ाई है, हम तब कहीं जाके इसमें सफल होंगे। ये मैं नहीं कहना चाहता कि कोई लिटरेसी कैंपेन है, लेकिन लोगों को संविधान में जो भरोसा है उसका गठजोड़ बनाने की ज़रूरत है। वो अगर हम करेंगे तो ये मैं एक बात कहना चाहता था कि तो उससे हमें ज़रूर सफलता मिलेगी, केवल सरकार बदलने में नहीं, व्यवस्था बदलने में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ पर उस पर मैं विस्तार से नहीं बोलूँगा कि क्योंकि हम एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं, बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जो तरक्की इस देश ने आज़ादी के समय से हासिल की थी, अब उसका रिवर्सल एजुकेशन के फील्ड में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे ने मेरी एक एडिटेड वॉल्यूम में जो चैप्टर लिखा उसका शीर्षक था कुछ लाइक फ्रॉम मैकॉले टू मनु, और वो बेसिकली यही है कि वर्तमान में एक नई किस्म का जातिवाद जो कि आर्थिक भेदभाव, जातीय भेदभाव के साथ साथ एथनिक भेदभाव और तमाम दूसरे किस्म के भाषाई भेदभाव, धार्मिक भेदभाव को एक तरह से रीस्टेबल रीस्टैब्लिश करने वाला रिवाइवलिस्ट ट्रेंड जो यहाँ पे आया है, तो उसको हम एजुकेशन के फील्ड में बहुत बहुत स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो उसे हासिल करने का एक ज़बरदस्त यंत्र है, टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इस देश में पहले ही 80% आबादी लगभग एजुकेशन स्फीयर से, शिक्षा जगत से बाहर है, और अब उसको और ज़्यादा बाहर किया जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ और वो आंकड़ा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो वही मेरा तीसरा पॉइंट भी होगा जिसके बारे में मैं दो तीन मिनट बोलना चाहूँगा, पर पहले वो आंकड़ा 2001-2002 का नेशनल सैंपल सर्वे जो NSSO कंडक्ट करती है उसमें ये कहा गया था, ये सरकारी आंकड़ा है, ऑफिशियल डेटा है, कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज का जो यूथ विद डिसेबिलिटीज का हायर एजुकेशन में 2% एनरोलमेंट है। नाउ सैडली अभी जो रिपोर्ट आई है हायर एजुकेशन सर्वे का जो 2020 की रिपोर्ट आई है उसमें जो टोटल फिगर है वो मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कि पूरे देश की हायर एजुकेशन में 18 से 23 वर्ग की आयु वर्ग में एनरोल्ड है उनका टोटल फिगर है 79,000 विच कम्स आउट टू बी लेस देन 1%। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, एक तो इसलिए है कि ये दिखा रहा है कि नई अर्थव्यवस्था से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था में कैसे
हाशिए के लोग और ज्यादा हाशिए पे ढकेले जा रहे हैं। और इसके लिए मैंने जान के आज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि सारे आंकड़े आप देख लीजिए वो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली। तो जब उनके साथ ये हो रहा है तो अन्यों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, उसके आंकड़े भी मैं यहां साबित कर सकता हूं। मैं सिर्फ उदाहरण आपको दूंगा, आप डाइस डेटा को एनईपी 2020 में जो खुद डेटा कंपेयर प्रेजेंट किया है उसको उसके साथ मैच कर लीजिए। और डेटा की पॉलिटिक्स इतनी डेंजरस है, मैं अभी तक भेजने से डरता रहा हूं पर भेज दूंगा जल्दी, कि अगर आप रीसेंट ईयर्स के डाइस डेटा को कंपेयर करें तो उसमें से आप ये पाएंगे कि दलित समुदाय के पिछड़ेपन को लगातार टेबुलेशन में चेंजेस करके छिपाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन को उस पुराने कॉलोनियल डिस्कोर्स के साथ जोड़ के बैकवर्डनेस के रूप में दिखाया जा रहा है। ये इस रिजीम की डेटा पॉलिटिक्स है और इससे हमें निपटना पड़ेगा, हमें लगातार इसे एक्सपोज करना पड़ेगा। आज ऑफिशियल डेटा, पहले भी एक साथी ने कहा, लगातार अनअवेलेबल होता जा रहा है। तो हम कैसे इसको, मतलब हमें लोगों के सामने लेके आना है, क्योंकि मैं पहले लगातार कहता रहा हूं, ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे, ये विश्व गुरु नहीं, दास गुलाम बनाने की शिक्षा नीति है, जिसमें लगातार एक ऐसे देश में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां, जैसे कि सुबह से वक्ताओं ने कहा, मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूं, देने में प्रॉब्लम नहीं, 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 140 करोड़ को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको दूसरी तरह से देखिए, आपको 80 करोड़ को ये मुफ्त भोजन देना पड़ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ 80% लोग एजुकेशन से बाहर हैं। मैं बहुत केयरफुली कह रहा हूं ये बात, क्योंकि हायर एजुकेशन सर्वे के मुताबिक भी केवल 24% का फिगर है और उसमें भी डिस्टेंस एजुकेशन शामिल है, ठीक है, 80% लोग बाहर हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए, जिसका नया नाम, अब नया ढकोसला वो है फिलेंथ्रोपी, पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप, वही परोपकारी, और उसके जरिए यूनिवर्सिटीज हर साल 100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक आने वाले दिनों का एक और इलेक्टोरल बॉन्ड आपके सामने आने वाला है, वो अपनी शर्तें वो दान के रूप में, सो कॉल्ड 100 करोड़, भाई कौन दान देता है, ये तो वैसा ही है जो इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ है। तो वो अब देखिए वो उसमें है जो 25 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घोषित किया है, जिसको कई यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट कर चुकी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमारी लड़ाई की वजह से खारिज कर दिया, वो इसको दिखाता है। तो ये एक बहुत जबरदस्त चुनौती है। मैं जैसे मैंने कहा था, मैं 3 बातें कहूंगा, तो मैं आखिरी बात पे आ रहा हूं, ये जो बहुलवादी समाज की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा हमें और सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुलवादी समाज की नींव ये है कि जो सबसे पिछड़े हैं वही हमारे विमर्श और हमारी दखल का आधार होने चाहिए। पर मैं ये पाता हूं, और मैं ये इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि मैंने कई बड़े बड़े संगठनों की लीडरशिप में काम किया है, और मेरी अपील्स के बावजूद अभी यही सिनारियो है कि पहले इसको समझ लीजिए। अब मैं जहां जा रहा हूं, इस देश के सेंसस के मुताबिक, जो कि बड़ी दकियानूसी फिगर है, 3% आबादी तमाम किस्म की डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में आती है, जो कि बहुत दकियानूसी फिगर है, क्योंकि स्कॉलर्स बताते हैं कि माइल्ड फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से कम 6% लोग इस देश में डिसेबल्ड की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप जो ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है डिसेबिलिटी की, जिसे बोलते हैं कैपेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, यानी आपकी किसी भी किस्म की शारीरिक या मानसिक बाधा जो बिल्ट एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए आपको काम करने में दिक्कत पैदा करे, तो उसे बोलते हैं कैपेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, जो अमर्त्य सेन का दिया हुआ पुराना कॉन्सेप्ट है, दुनिया भर में माना जाता है। अगर उसे फॉलो करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये स्थापित
फिगर्स हैं, लगातार वो रिपीट हो रही है पिछले 20 साल से, तक कम से कम मैं देख रहा हूं, दुनिया भर में तकरीबन 15% आबादी किसी ना किसी किस्म की कैपेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन का शिकार है, और ये फिगर लगातार दुनिया भर में बढ़ रहा है क्योंकि अस्वस्थ शरीर बढ़ रहे हैं, पर्यावरण एनवायरमेंटल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं, परमाणु बम फेंके गए हैं, तो वो लगातार बढ़ रही है, एक ग्रोइंग एज्ड पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर उसके बावजूद भी और उसमें से बहुत थोड़े से लोग मुश्किल से, जैसे मैंने कहा अभी हायर एजुकेशन में less than 1% लोग पहुंच पाते हैं, 100 में से केवल 1-4% का रिजर्वेशन आपने दे दिया, अभी उसकी कहानी पे नहीं जाऊंगा, समय नहीं है, केवल 1 हायर एजुकेशन तक पहुंच पाता है, और जितने एनरोल्ड होते हैं क्लास 1 में, यानी 100 में से लगभग 65-70 के नाम लिखे जाते हैं, उनमें से भी 56 तो 8वीं क्लास तक ही अपना नाम, मतलब वो स्कूल से बेदखल हो जाते हैं, तो थोड़े से लोग ही पढ़ पाते हैं, और उनको जो रिजर्वेशन दिया गया जिसकी घोषणा 4% की हुई, फिर वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की लड़ाई भी हुई, क्योंकि जो लोग पढ़ पाए वो तो बड़े जियाले लोग रहे होंगे ना, इतनी मुसीबतों के बावजूद पढ़ लिख के कहीं नौकरी में पहुंचे, और उसे तो पढ़ना ही इस देश में बड़ा मुश्किल है, फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन की लड़ाई हुई। अभी सरकार ने क्या किया, जब कैट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जीत ली गई, पहले तो एजुकेशन नहीं मिलती, फिर एजुकेशन के बाद जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट मिला तो प्रमोशन के दरवाजे बंद हो रहे थे, फिर रिजर्वेशन प्रमोशन की लड़ाई जीत ली, तो अभी DOPT ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जिसमें कि वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि विद इन कैटेगरी ए जो है वो आपको प्रमोशन, रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ कि आप पॉलिसी को जो असल में ड्राफ्ट करती है ब्यूरोक्रेसी, उसमें आप कैसे भी शामिल नहीं हो सकते। तो मैं ये कहना, मतलब ये कहीं भी हमारे एजेंडा पे सुबह से नज़र नहीं आया, कहीं भी नज़र नहीं आया, और अक्सर नहीं आता, केवल इस सभा की बात नहीं है, कहीं भी नहीं आता, और ये इस सब के बावजूद है कि आप में से कुछ लोग निश्चित तौर पर किसी ना किसी किस्म की कैपेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन वाले लोग होंगे, और अगर नहीं है तो बुरा मत मानिएगा, कभी भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। जब हमने राहुल गांधी को बोला था 2013 में कि ये ऑर्डिनेंस के रूप में मत लाओ, ये जो बाद में एक्ट बना 2016 में, क्योंकि इसमें बहुत खामियां हैं, तो नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी उन्होंने उसको तुरंत वहाँ लागू कर दिया, और उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई, क्योंकि एक बार एक बीजेपी के लीडर कहता था ना कि ये तो आपके लिए जो हम करते हैं ना, वो तो स्वर्ग को सुधारने का काम करते हैं हम, अभी सुधारेंगे स्वर्ग में यानी ये नहीं पता, पर स्वर्ग को सुधारने का काम करते हैं, तो पॉलिटिकली कभी इसको रिकग्नाइज नहीं किया, जबकि ये जो पॉपुलेशन एक बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसके राइट्स को कभी रिकग्नाइज नहीं किया गया, और इसीलिए ये वो कहीं इलेक्टोरल डिस्कोर्स में देखने को भी नहीं मिलता। बहरहाल इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, ये ठीक उसी किस्म का एक मार्जिनलाइजेशन है जैसा कि हम दलित, आदिवासी, धार्मिक व भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों और लैंगिक आधार पर देखते हैं, ये उसी किस्म का है, इस पर कभी लंबी चर्चा हो सकती है, पर मैं जो कहना चाहता हूँ बिल्कुल आखिर में वो ये है कि ये सरकार अपने तमाम मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करके इस देश में जो एक मेजोरिटेरियनिज्म थोप रही है, उसके खिलाफ अगर हमें बहुलवाद की पॉलिटिक्स को खड़ा करना है, तो हमें ऑनेस्टली सब किस्म की विविधताओं को साथ लाके हर गली मोहल्ले में काम करना होगा। उम्मीद करता हूं कि ये इस आज सुबह से जो रिच डिस्कशन यहाँ चल रहा है उसका कुछ परिणाम इस रूप में निकलेगा कि हम तमाम लोग जगह जगह जाके बात करें। हम सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा, एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि ये हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं, आप उसके लिए तरीके निकाल सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, बाद में मीटिंग करें, पर वो हमको करना पड़ेगा और लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। केवल इसलिए नहीं कि सरकार तो मुझे लगता है अगर बेईमानी नहीं होगी तो वैसे भी बदल जाएगी, पर हमारा उद्देश्य, वो पहला उद्देश्य है सरकार बदलना, तो इससे तो कोई उम्मीद है ही नहीं, लेकिन हमारा दूसरा उद्देश्य भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, हमें एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है।
मैं इस बात के साथ अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। शुक्रिया।